गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बच्चों? बच्चों आज मंडे है और मंडे को हमारा पीरियड होता है इंग्लिश रीडर का। सो टेक आउट माय इंग्लिश गार्डन बुक्स और बुक्स निकाल कर आ जाइए आप लोग पेज नंबर 56 पर। इससे पहले के पेजेस का काम हम कर चुके हैं, एक्सरसाइज मोस्टली एक्सरसाइज हम फिल कर चुके हैं। ये हमारा लेसन चल रहा है शोभनी और नानी वाला, ये सारी एक्सरसाइज हम कर चुके हैं और आज हम कर रहे हैं पेज नंबर 56। चलिए राइट द डेट इन द कॉर्नर। आज डेट है 24/8/2020 और डेट डालने के बाद हम अपनी एक्सरसाइजेस स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर बी। पुट योर फिंगर ऑन द फर्स्ट वर्ड, स्टार्ट रीडिंग। लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट द एक्शन वर्ड्स एट ing टू द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। बच्चों एक्शन वर्ड्स, एक्शन वर्ड्स मतलब जो भी हम काम हम करते हैं वो हमारे एक्शन वर्ड्स होते हैं, जैसे पढ़ना, खाना, चलना, हंसना, रोना, डांस करना, गाना गाना, खाना पकाना, मार्केट जाना, कहीं भी जाना। तो ये जो सारे वर्ड्स इंग्लिश में होते हैं, जैसे प्ले, ईट, डांस, सिंग, वॉक, जंप, टॉक, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं इनको एक्शन वर्ड्स कहते हैं। आप इसको ग्रामर में अलग से पढ़ेंगे, अभी आपके ग्रामर में नहीं आए, अभी आप प्रोनाउन तक आए हैं। चलिए फिलहाल हम इसी को कर लेते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ ये पीच कलर का छोटा सा लाइन है कलर में और इसमें वर्ड्स लिखे हैं। पहले हम इन वर्ड्स को पढ़ेंगे और इनका मीनिंग समझेंगे। प्ले खेलना, ईट खाना, सिंग गाना, वॉक चलना, स्टडी पढ़ना, स्लीप सोना। अब यहाँ जो पिक्चर्स हैं बच्चों, वहां पर आपको हर बच्चा कुछ ना कुछ करता हुआ दिखाई देगा, तो आपको जो भी करता हुआ दिखाई दे वो आप ऊपर से वर्ड ले लेंगे और उसके साथ आईएनजी लगा देंगे तो उसका मतलब हो जाएगा खेल रहा है, खा रहा है, गा रहा है। आईएनजी में हर चीज में रहा है, रहा रही है होता जाएगा, चल रहा है, पढ़ रहा है। ओके, चलिए सबसे पहले फर्स्ट पिक्चर देखिए। यहाँ पर एक बॉय है जो कि खेल रहा है और खेलने की इंग्लिश हमारी क्या होती है, प्ले, PLAY, प्ले। लिखने के बाद हम उसमें आगे से क्या लगा देंगे, ING। तीनों लेटर स्मॉल यूज करेंगे क्योंकि सिर्फ फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा, बाकी सारा स्मॉल, बल्कि फर्स्ट लेटर भी आप स्मॉल ही बनाइए। चलिए पूरी स्पेलिंग एक साथ लिखिए, PLAY ING। प्लेइंग मतलब खेल रहा है। इस पी को ऐसे बनाइए थोड़ा सा नीचे लेकर। ओके, नेक्स्ट पिक्चर देखिए, बच्चा क्या कर रहा है, खाना खा रहा है यानी ईट, और ईट के साथ हम क्या लगाएंगे, ING, हमारा क्या बन जाएगा, ईटिंग यानी खा रहा है। स्पेलिंग पढ़िए, EATING, ईटिंग। नेक्स्ट पिक्चर, यहाँ पर आप इसके हाथ में माइक देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये गाना गा रहा है इसका, और गाने की इंग्लिश होती है सिंग, और हम ING लगाकर करेंगे तो बन जाएगा सिंगिंग। स्पेलिंग करेंगे, SINGING, सिंगिंग। ओके, लाइन के ऊपर इंग्लिश लिखनी है। आगे आ जाइए फोर्थ पिक्चर पर, यहाँ पर बच्चा पढ़ रहा है यानी स्टडिंग। अब स्टडिंग की स्पेलिंग STUDY नहीं लगाया इस बच्चे ने, आप यहाँ पर डी के बाद वाई लगाएंगे तब आई लगाएंगे, DYING, स्टडिंग, पढ़ रहा है। इसके बाद ये बच्चा क्या कर रहा है, वॉक, चल रहा है। चलिए स्पेलिंग करते हैं, WALKING, वॉकिंग। और लास्ट में ये बच्चा सो रहा है, SLEEPING, स्लीपिंग। ओके स्टूडेंट्स,
अब आ जाइए नीचे। अब बहुत इंटरेस्टिंग वर्क है, एक छोटी सी स्टोरी है, लेकिन उसके पहले हमें इन वर्ड्स को और इन पिक्चर्स को ध्यान से देखना और पढ़ना है। ओके, हेडिंग पढ़ेंगे, स्टार्ट कीजिए। कंप्लीट दिस स्टोरी बाय लुकिंग एट द पिक्चर्स क्लूज। यहाँ पिक्चर्स बनी है, उनके नीचे उनके नाम लिखे हैं, यानी स्टोरी में हमें इन क्लूज को देखकर स्टोरी को कंप्लीट करना है। सबसे पहले इस पिक्चर बनी है रैबिट, और उसके नीचे उसका नाम भी लिखा है RABBIT रैबिट। इसके बाद आपको यहाँ पे ये खाता हुआ दिख रहा है, इसलिए इसकी स्पेलिंग है ईट। ये जिसके पास हल है ये है फार्मर, FARMER फार्मर। और यहाँ आपको ये रैबिट जो है कूदता हुआ, कूद कूद कर भागता है ना रैबिट, उसको कहते हैं होप, HOP। नीचे आ जाइए कैरट्स, CARROTS कैरट्स। ये क्या बनी है, स्टिक छड़ी। बर्ड्स BIRDS। और लास्ट में ये पिक्चर बनी है हैंड मतलब हाथ की। चलिए अब आ जाइए पेज नंबर 57। इसमें हम इस छोटी सी स्टोरी को क्लूज के साथ कंप्लीट करेंगे, यानी पिक्चर जहां पर जो पिक्चर होगी वहां पर उसका हम नाम लिख देंगे। स्टार्ट करते हैं, टिपी टैपी एंड टॉमी आर फ्रेंड्स। तीन फ्रेंड्स का जिक्र है यहाँ पर, टिपी टैपी टॉमी, तीन नाम है। दे आर क्या थे वो, ये क्या बने हैं, रैबिट्स। तीन बने हैं ना, अगर अकेला होता तो हम रैबिट लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे प्लूरल है तो हम एस लगाकर लिखेंगे, RABBITS रैबिट्स। ओके, सेकंड लाइन, दे लव टू ईट, क्या खाना पसंद था उन्हें, ये क्या बनी है, कैरट्स, CARROTS कैरट्स लिख देंगे। यहाँ पर पिक्चर बनी है, वन डे दे गो टू आ फील्ड, एक दिन वो एक खेत में जाते हैं, फील्ड मतलब खेत जहाँ पर अनाज और सब्जियां उगाई जाती हैं। दे आर मैनी डैश, किसकी पिक्चर बनी है फिर से, कैरट्स, CARROTS कैरट्स लिख देंगे। ग्रोइंग देयर, और वहां पर बहुत सारी क्या उगी हुई थी, गाजर कैरट्स। दे आर हैप्पी, वे बहुत खुश हुए, दे सी सम डैश देयर, और वहां पर उन्होंने और भी क्या देखा, बर्ड्स BIRDS द बर्ड्स टेल देम। अब चिड़िया जो थी, यहाँ पे बर्ड्स की पिक्चर बनी है तो हम ब्लैंक में बर्ड्स लिख देंगे, बर्ड्स उनसे क्या कहती हैं, बी केयरफुल द फार्मर इज नियर बाय, वो कहती हैं, क्योंकि वो समझ गई ये गाजर खाने आए हैं, कैरट्स खाने आए हैं रैबिट्स, तो वो उनसे कहती हैं बर्ड्स के सावधान रहना, किसान पास में ही है। किसान कौन, जो खेत का मालिक है, जो खेत पर काम करता है और कैरट्स उगाता है। ही हैज आर डैश, या आपकी किसकी पिक्चर बनी है, स्टिक, उसके पास क्या है, बर्ड्स क्या बता रही हैं कि फार्मर के पास एक स्टिक है। ही विल बीट यू, वह तुम्हें पीट देगा। द थ्री, अब यहाँ फिर से किसकी पिक्चर बनी है, रैबिट्स डू नॉट लिसन, लेकिन जो रैबिट्स थे उन्होंने बर्ड्स की बात नहीं सुनी, दे डैश द कैरट्स। और यहाँ पर आपको ये ईट दिखा रहा है कि ईट कर रहे हैं, गाजर खाने लगे हैं, तो यहाँ पर ईट आ जाएगा। और यहाँ लास्ट में किसकी पिक्चर थी, कैरट्स की, तो इस ब्लैंक में आ जाएगा कैरट्स, और फिर उन्होंने उनकी बर्ड्स की बात नहीं सुनी और वो गाजर खाने लगे, सडनली द डैश। अब ये किसकी पिक्चर बनी है, फार्मर, अचानक से कौन आ गया, फार्मर कम्स, अचानक से फार्मर आ गया, ही हैज आ डैश, फिर से पिक्चर किसकी है, स्टिक, उसके हाथ में क्या थी, एक स्टिक थी, और ये हैंड बना है तो यहाँ पर आ गई है हैंड की स्पेलिंग, यानी फार्मर के हाथ में एक स्टिक थी। दे डैश एंड रैन अवे, और वो जो थे रैबिट्स वो होप यानी कूदते हुए वहां से भाग गए। ये स्टोरी थी आपकी, इसको कंप्लीट कर लीजिए, नीचे वाले काम को कुछ नहीं करना है, छोड़ दीजिए। इसके बाद कॉपी में दो क्वेश्चन आंसर हमारे उस दिन रह गए थे, 3 और 4 हमने कर लिए थे, 1 और 2, 3, 4 हमारे रह गए थे, उसको आज हम अभी आज क्लास वर्क करेंगे कॉपी में। चलिए पहले पैटर्न समझ लेंगे और फिर उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर रीड करेंगे। सबसे पहले डेट 24
8 2020 लेसन 6 कॉर्नर में यहाँ क्लास वर्क डालेंगे और लेसन का नाम शोभिनी एंड नानी गो टू द मेला। क्वेश्चन आंसर का हेडिंग और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट। व्हाट डिड नानी डू ऑन द जाइंट व्हील? क्या पूछा है क्वेश्चन में कि नानी ने क्या किया था जाइंट व्हील पर? आपने पहले क्वेश्चन में पढ़ा था कि शोभनी जो थी वो डरती है, स्टोरी में पढ़ा था सॉरी, कि शोभनी जाइंट व्हील पे अपनी आंखें बंद कर लेती है। अब नानी के बारे में पूछा है कि नानी क्या करती है, आंसर पढ़िए, ओपन हर आईज एंड लाफ्ड। नानी ने अपनी आंखों को खोल रखा था और वो हंस रही थी। एक बार आंसर फिर से, ओपन हर आईज एंड लाफ्ड, फुल स्टॉप लगाना नहीं भूलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड शोभिनी बाई इन द मेला? इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि शोभनी ने मेले से क्या खरीदा? आंसर पढ़ेंगे, अ लिटिल हॉर्न। अब आप कहेंगे उसने गैस बलून भी खरीदा था, तो वो उसकी नानी ने उसको दिलवाया था, लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि शोभनी ने मेले से क्या खरीदा, तो हम आंसर लिखेंगे अ लिटिल हॉर्न। ये आपका छोटा सा क्लास वर्क है बच्चों, दोनों काम बुक और कॉपी का कंप्लीट कर लीजिए। ओके।